ऐसे ऊपर उठाए हुए हूँ, कपिल हाफता सा बोला, इसके हाथ पैरों की रस्सी काटो और जल्दी करो। पानी तेजी से भर रहा है। अमन पानी में डुबकी लगा गया। कपिल ने व्यग्र भाव से लीना के चेहरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो होश खो बैठी थी। तभी कमरे में आ रही लगातार पानी गिरने की जोरदार आवाज बंद हो गई। कपिल ने रोशनदान की ओर देखा। मेनका ने समझदारी का काम किया था। उसने आंगन में जाकर झिल्ली को खींच दिया था और वो कुप्पी जैसी चीज भी निकाल दी थी जिससे बेसमेंट में पानी आकर गिर रहा था। कपिल ने मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। ये अमन क्या कर रहा है? रस्सी काटने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अमन, कपिल तीव्र स्वर में बोला, जल्दी करो। तभी एक झटके के साथ लीना आजाद हो गई। नीचे अमन ने लीना के बंधन काट कर खोल दिए थे। अगले ही क्षण अमन भी पानी की सतह के ऊपर आ गया और उसने जोर की सांस ली। रस्सी बहुत मजबूत थी, वो हाफते स्वर में बोला, कट नहीं रही थी। कपिल लीना को गोद में लेकर उठ खड़ा हुआ और उसे उठाए उठाए ही बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। बाहर वाले कमरे में आकर उसने लीना को फर्श पर लिटा दिया। उसे लिटाने के बाद कपिल ने सबसे पहला काम लीना के मुंह पर बंधे कपड़े को खोलने को किया। मेनका भी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुई। बेसमेंट में गिर रहे पानी को रोकने झिल्ली हटाने के चक्कर में वो सिर से पांव तक भीग गई थी। लीना, कपिल ने फर्श पर पड़ी लीना के गाल थपथपाए, लीना होश में आओ। उसे एहसास हुआ कि पानी में डूबे रहने के कारण लीना काफी पानी पी गई थी। हटिए, तभी मेनका उनके पास आ पहुंची, मैं नर्स की ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, मुझे देखने दीजिए। कपिल घिसता सा एक और हो गया। मेनका लीना के पेट से पानी निकालने की कोशिश में जुट गई। कपिल ने घूमकर अमन की ओर देखा तो पाया कि वो उससे भी ज्यादा बदहवास ढंग से लीना को देख रहा था। तभी खांसी के साथ लीना ने काफी सारा पानी उलट दिया। मेनका ने उसे सहारा देकर बिठाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। डॉक्टर, कपिल अमन से बोला, डॉक्टर को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। अमन ने तत्काल मोबाइल निकाला और इमरजेंसी नंबर डायल किया। कपिल को अचानक सौम्या का ध्यान आया। सौम्या घर पर अकेली थी। पहले उसने सौम्या के घर पुलिस भेजने का इरादा किया, नहीं बाहर तूफान और बारिश जोरों पर थे। पुलिस स्टेशन सौम्या के घर से दूर था। उसने अर्णव को फोन लगाया। अर्णव का घर सौम्या के घर के पास ही था। हेलो, उधर से अर्णव की आवाज सुनाई। अर्णव, कपिल बोला, फौरन सौम्या के घर जाओ और वहां जाकर मुझे कॉल करो। क्या हुआ सौम्या को? अर्णव की आवाज में चिंता की झलक थी। सौम्या को नहीं, लीना को हत्यारे का पता चल गया है। उसका नाम वीर सिंह है। वो सौम्या के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस में काम करता है, लेकिन उसका असली नाम कुछ और है। वो एक साइको किलर है। उसने लीना को भी जान से मारने की कोशिश की। प्लीज, तुम फौरन सौम्या के पास पहुंचो और मेरे आने तक उसके साथ ही रहना। मैं घर से निकल भी गया हूँ, उधर से अर्णव का स्वर सुनाई दिया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फोन पर कपिल जिस तरह बदहवासी में बोल रहा था, उससे अर्णव भी परेशान हो उठा था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और तूफान भी जोर पकड़ने लगा था, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए अर्णव लगभग दौड़ते हुए सौम्या के घर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कॉल बेल बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने 2-3 बार कॉल बेल बजाई और फिर भी जवाब नहीं मिलने पर बेसब्री के साथ जोर से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। सौम्या, अर्णव ने जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अर्णव ने चारों ओर नजर दौड़ाए। बगल के घर की खिड़की से एक अधेड़ औरत बाहर झांकते हुए भयभीत सी उसकी ओर देख रही थी। अर्णव उसे जानता था। उसका नाम मालती माथुर था। वो सौम्या की पड़ोसी थी और उस घर में अकेली ही रहती थी। उसका बेटा कहीं विदेश में काम करता था और अपनी माँ को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ विदेश में ही रहता था। अर्णव लपकते हुए उसके पास पहुंचा। मिसेज माथुर, बारिश और तेज हवाओं के शोर के कारण, अर्णव ऊंचे स्वर में बोला जिससे उसे सुनाई दे सके, आपने सौम्या को देखा है? वो दरवाजा नहीं खोल रही है। अर्णव की बात का जवाब देने के स्थान पर उस औरत ने भयभीत निगाहों से सौम्या के घर के पिछले हिस्से की ओर देखा। अर्णव ने उनकी नजरों का पीछा किया। क्या हुआ? वो जोर से बोला। एक आदमी, मिसेज माथुर भयभीत से स्वर में बोली, उसे उठा कर ले गया। किसे? वो शायद सौम्या ही थी। वो पिछले दरवाजे से उसे गोद में उठाकर बाहर निकला था। वहां एक कार खड़ी थी। उस आदमी ने उसे कार में डाला और कार स्टार्ट करके चला गया। कितनी देर पहले? अर्णव बेसब्री के साथ बोला। अभी, कोई 5-10 मिनट पहले। किस और गया वो? अर्णव बोला।
उस तरफ उन्होंने घर के पिछले हिस्से वाली सूनी गली के दूसरी ओर इशारा किया, जिधर से एक शॉर्टकट रास्ता अस्पताल की ओर जाता था। हालांकि वो रास्ता कब्रिस्तान से होकर गुजरने के कारण आमतौर पर लोग उसका उपयोग कम ही करते थे। वीर सिंह पोस्टमार्टम हाउस पुलिस, अर्णव चिल्लाया, पुलिस को फोन कीजिए, उन्हें पूरी बात बताइए और जल्दी से पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए कहिए। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, मिसेज माथुर बोली, लेकिन फोन नहीं लग रहा है, शायद बारिश के कारण। लेकिन अर्णव उनकी बात सुनने के लिए वहां नहीं था। वो मूसलाधार बारिश में भीगते हुए तूफान के बीच उसी रास्ते पर दौड़ता चला गया जिस ओर मिसेज माथुर ने कार जाते हुए देखी थी। बारिश और तेज हो गई थी, प्रचंड हवाओं में पैर टिका पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अर्णव जानता था कि एक पल की भी देरी सौम्या के लिए घातक साबित हो सकती थी। हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हाउस वीर सिंह सौम्या, वो तूफान और बारिश के बीच अंधाधुंध दौड़ता चला गया। सौम्या को होश आया, उसे लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही नहीं थी, चारों ओर अंधेरा था। उसने उठने का प्रयास किया तो जिस चीज पर वो लेटी हुई थी वो हिली, वो स्ट्रेचर पर थी। स्ट्रेचर, कमरे में आ रही गंध उसे जानी पहचानी लगी। फिर जैसे ही सौम्या को एहसास हुआ कि वो कहाँ थी, वो सन रह गई। वो पोस्टमार्टम हाउस में थी, पोस्टमार्टम हाउस के उस कमरे में जिसमें पोस्टमार्टम किया जाता था, जिसमें खुद उसने न जाने कितनी लाशों का पोस्टमार्टम किया था। उसका सिर बुरी तरह दुख रहा था, आखिर हो क्या रहा था। वो तो घर पर थी, पोस्टमार्टम हाउस में कैसे पहुंच गई, क्या ये कोई डरावना सपना था। पिछली रात की तरह थर थर करते हुए उसके दिमाग ने उसे हकीकत का एहसास दिलाया, ये कोई सपना नहीं था। फिर धीरे धीरे सौम्या को याद आया कि वो सोफे पर बैठी थी जब पीछे से दो हाथों ने उसे जकड़ लिया था और उसके चेहरे पर गीला कपड़ा रख दिया था, उसे वहां बेहोश करके लाया गया था। सौम्या मन ही मन बुरी तरह आतंकित हो उठी, कौन लाया था उसे यहां इस तरह बेहोश करके। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो बहुत बड़े खतरे में है, इस तरह स्ट्रेचर पर पड़े रहने से काम नहीं चलेगा। सौम्या ने अपने सिर में हो रहे दर्द और कमजोरी को नजरअंदाज करते हुए पूरी शक्ति को समेटा और स्ट्रेचर पर उठकर बैठने की कोशिश की। पूरी इच्छा शक्ति लगाने पर वह किसी प्रकार उठकर बैठ सकी। एक बार उठकर बैठने के बाद उसे अपने हाथ पैरों में धीरे धीरे जान वापस लौटती लगने लगी थी। अंधेरे में ही वो सावधानी से स्ट्रेचर से नीचे उतरी। वो उस कमरे में कई बार आ चुकी थी लेकिन फिर भी अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इस वक्त उसे अपना दिमाग भी ठिकाने पर नहीं लग रहा था, शायद जिस दवा से उसे बेहोश किया गया था उसी का असर था। आगे अंधेरे में टटोलते उसके हाथ शेल्फ से टकराए, वो उल्टी तरफ जा रही थी। वो शेल्फ तो दरवाजे के सामने की ओर दीवार के पास रहती थी। उसे दिशाभ्रम हो रहा था। एक क्षण रुककर उसने अपने दिमाग को ठिकाने पर लाने की कोशिश की, फिर उस शेल्फ को ही कंपास मानते हुए अपनी पीठ की दिशा में घूम गई। अब उसके सामने ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कदम की दूरी पर दरवाजा होना चाहिए था। अंधेरे में बेहद सावधानी से चलते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ी। अचानक उसे एहसास हुआ कि रास्ते में कोई खड़ा था। वो अपनी जगह थमक कर खड़ी हो गई। सौम्या, किसी ने उसका नाम लिया। वो शख्स इतना पास था कि नाम लेने पर उसके मुंह से निकली हवा सौम्या के चेहरे से टकराए। सौम्या बुरी तरह बौखला कर तेजी के साथ पीछे हटी। बौखलाहट में ही वो इतनी तेजी से पीछे हटी कि पीछे लगी शेल्फ से जोर से जा टकराए। शेल्फ पर रखी चीजें हिली, शेल्फ से कुछ गिरा जो उसके कंधे से टकराता हुआ टंक की आवाज से फर्श पर जा गिरा। सौम्या अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखने की कोशिश कर रही थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और तेज हवाओं के चलने की आवाज भी आ रही थी। अचानक एक जोर का वार सौम्या के चेहरे पर पड़ा। सौम्या के गले से घुटी घुटी सी चीख निकली जो बाहर हो रही जोरदार बारिश के शोर में ही खो गई। वो फर्श पर गिर पड़ी। किसी ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और ठंडे फर्श पर बेरहमी पूर्वक घसीटने लगा। आह, सौम्या के हाथ अपने बालों पर कसे हाथ पर जा पहुंचे और बालों को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूर्ववत सौम्या को घसीटते हुए एक ओर लिए जा रहा था। कैसी हैं डॉक्टर मैडम, एक जानी पहचानी आवाज सौम्या के कानों में गूंज उठी। वीर सिंह, सौम्या दहशतपूर्ण स्वर में बोली, तुम वीर सिंह हो, सही पहचाना, मैं वीर सिंह ही हूँ, लेकिन दिल्ली में लोग मुझे विराज सक्सेना के रूप में ज्यादा जानते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो वीर सिंह, सौम्या आतंकित स्वर में बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।